everyone. Today we discuss about business studies. Okay, business study का हम कौन सा chapter कर रहे हैं आज? Fifth chapter. Business studies means जिसमें हम अपने business के related सारी study करते हैं कि हमें कैसे अपनी planning करनी है, organizing, staffing, directing, coordinating and then controlling. और सबसे important हमें अपने work को manage कैसे करना है. तो ये होता है business का मतलब, ठीक है. तो हम इसका कौन सा chapter start कर रहे हैं आज? Organizing. Organizing. क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब? टीम वर्क. टीम वर्क स्टैंड्स फॉर, देखो जैसे अब हम हैं, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं. ओके, सपोज आप स्टूडेंट्स और मैं, हम मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं. अब मैं उसकी हेड हूँ, तो सबसे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि मैं अपनी सारी टीम को इकट्ठा करूँ. मतलब सबसे मस्ट क्या हुआ? टीम वर्क. ओके, हमने सबसे पहले टीम इकट्ठा की. जब मैंने टीम इकट्ठा कर ली तो मैं अपने वर्क को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाऊंगी ना कि मुझे कौन सा काम कैसे करना है. अब देखो फॉर एग्जांपल, हम हर एक चीज़ को पहले, जो भी आपको बिजनेस स्टडी में चैप्टर पढ़ना है ना, सबसे पहले आप उस चीज़ को खुद पे इम्प्लीमेंट करो. देन हम किस पे इम्प्लीमेंट करेंगे उस चीज़ को? बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे. तो हर एक चीज़ सबसे पहले हम खुद पे लेके चलेंगे कि अगर इस जगह पे हम होते तो हम इस वर्क को कैसे पूरा करते, ठीक है. तो इसलिए सबसे पहले जो भी आपको स्टडी करना है, सबसे पहले आप खुद पे इम्प्लीमेंट करो. नेक्स्ट हम किस पे इम्प्लीमेंट करेंगे सेम चीज़ को? अपने बिजनेस पे इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? कि किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है. सपोज आप लोग हो, आपने कोई भी फंक्शन या कोई भी मैरिज फंक्शन है, ठीक है, हमें उसको मैनेज करना है अच्छे तरीके से. उसे मैनेज करने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग है ना, वो अच्छी तरह से होनी चाहिए. अब एक वर्क को करने के लिए एक पर्सन काफ़ी तो होगा नहीं, ठीक है. हमें एक वर्क को करने के लिए नंबर ऑफ पर्सन चाहिए होते हैं, तो मतलब हमें एक टीम चाहिए होती है. अगर हम किसी भी फंक्शन पे जाते हैं, सपोज हम किसी मैरिज फंक्शन पे जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं? जो भी वहाँ पे वेटर्स होते हैं, जो हमारी हेल्प के लिए होते हैं, उनका क्या होता है? टीम वर्क होता है. वो एक टीम बनाकर चलते हैं. और क्या है, मैरिज को अरेंज करने के लिए क्या है, जो पैलेस वाले होते हैं ना, उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया होता है, ठीक है. ये तो होगा हमारी जनरल लाइफ में. अब देखो, अगर अब हम देखें इस सारी चीज़ को बिजनेस व्यू पॉइंट से, तो देखो बिजनेस का मतलब क्या होता है कि सपोज हमारी कोई इंडस्ट्री है, ठीक है. सपोज हम क्लोथ्स बनाने की हमारी इंडस्ट्री है, हम जेंट्स शर्ट या टी शर्ट्स बनाते हैं, हमारी उसकी इंडस्ट्री है. तो हमें क्या है, अब हमें पता होना चाहिए कि हमने ये सारे वर्क को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है. अब एक बंदा है सिंगल, सपोज मैंने इंडस्ट्री स्टार्ट कर ली, तो मैं अकेली तो सारा वर्क नहीं कर सकती ना. तो इसके लिए क्या है, मुझे अपने सारे वर्क को इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा, मेरे को ऐसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि जब तक लोगों ने मेरे से डिमांड किया कि हमें कितने पीस इतने दिन तक चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, एक टीम वर्क ऑर्गेनाइज करूँगी, ठीक है. मतलब मैं अपने पास एक टीम इकट्ठा करूँगी, जिस टीम में क्या होगा, आधे पर्सन मेरे किस लिए होंगे, जो टी शर्ट्स बना रहे हैं, आधे पर्सन किस लिए होंगे, जो शर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग. वैसे अब एक बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हम करते हैं, तो उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें टीम वर्क की हेल्प चाहिए होती है. अगर हमारे पास प्रॉपर वर्क टीम होगी तो ही हम अपना काम कर सकते हैं. अब देखो, जो हम बिजनेस करते हैं, हम बिजनेस किस लिए कर रहे हैं? फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है. हमें प्रॉफिट्स कब अर्न होंगे? जब हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा चलेगा. बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए सबसे मस्ट क्या है, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन. और हम कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे कराएंगे? अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई किया एट द रीजनेबल प्राइस, तो उससे क्या होगा, जो हमारा कस्टमर है वो हमारे वर्क से सेटिस्फाई रहेगा. हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना. प्रॉफिट अर्न कैसे करेंगे, अगर हमारी सेल्स ज़्यादा होंगी. सेल्स ज़्यादा कैसे होंगी, जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे. कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा, जब हम उसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे, जो क्वालिटी वो चाह रहा है. अगर हम उसे वही क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एट द रीजनेबल रेट्स, रीजनेबल प्राइजेस, तो उससे क्या होगा, जो हमारा टीम वर्क है वो भी हमेशा वर्क करेगा. ओके, किसी भी मैनेजमेंट में क्या है, वर्क करने के लिए हमें जो ऑर्गेनाइजिंग है वो मस्ट होगी, कि हम जो बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो हम किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है. तो अब देखो, ऑर्गेनाइजिंग का पता चल गया हमें क्या होता है, टीम वर्क होता है, कि अगर एक टीम होगी तो ही हम वो वर्क परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हम अकेले कभी भी काम नहीं कर पाते हैं. तो इसमें क्या है, सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं. हमने कहाँ पहुँचना है, प्रॉफिट में. प्रॉफिट कब आएगा, जब हमारी सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होंगी. सेल्स इंक्रीज कैसे होंगी, अगर हमारा जो कस्टमर है
वो सेटिस्फाइड हो गए। कस्टमर को हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं? अगर हम बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स है जो वो कस्टमर को देंगे, बेस्ट क्वालिटी, बट रीज़न क्या होगा, एट द रीजनेबल प्राइस, ताकि हर एक पर्सन उस चीज़ को अडॉप्ट कर सके। ये चीज़ भी हमने देखनी कि जो हायर फैमिली है, मिडिल लेवल की है, लोअर लेवल की है, हमने हर एक चीज़ को ये चीज़ ये सोच के प्रोड्यूस करना है ताकि जो लोअर लेवल के है ना वो भी हर एक चीज़ को अडॉप्ट कर सके। तो मतलब क्या है, आप देखो हमें अगर हमें ये वाली स्टेज चाहिए ना तो हमें यहाँ से स्टार्ट होना पड़ेगा। रीजनेबल प्राइस रखने पड़ेंगे, बेटर क्वालिटी देनी पड़ेगी, ठीक है, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो हमारी सेल्स उतनी ज़्यादा होंगी। सेल्स कब ज़्यादा होंगी, जब लोग हमसे डिमांड करेंगे। डिमांड कब करेंगे, अगर वो हमसे सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाई किया, सेल्स इंक्रीज की, अगर हमारी सेल्स इंक्रीज है तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज है, और अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो हमारा जो बिजनेस है ना वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव रहेगा। मतलब हमें इस बात की चिंता नहीं होगी कि हमारा बिजनेस कब तक चल रहा है। अगर हम यही सिचुएशन में हमेशा स्टेबल रहेंगे ना तो जो हमारी लॉन्ग टाइम सर्वाइवल है ना वो हमारे साथ हमेशा चलेगी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या है, एक प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजिंग को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे फर्स्ट उन्होंने क्या किया, अगर हमें ऑर्गेनाइजिंग को अच्छे तरीके से करना है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो मतलब क्या है, सबसे पहले जब हमने ऑर्गेनाइजिंग करनी है, अगर हमें पता होगा कि हमें किस चीज़ की ऑर्गेनाइजिंग करनी है, मतलब उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। जब आइडेंटिफाई कर लिया फिर ही हम वर्क को डिवाइड करेंगे ना। सपोज हमारे पास 10 मेंबर्स हैं, जब हमने ऑर्गेनाइजिंग की टीम वर्क में हमारे पास 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि हमने किस चीज़ की ऑर्गेनाइजिंग करनी है, क्या वर्क हमें दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने वर्क को, जो भी हमारा वर्क है उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, कि हमारे पास इतने तरह का काम है करने के लिए। सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ही तरह के वर्क को हमने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया। अब देखो हमारे स्कूल में है कौन कौन सी स्ट्रीम होती हैं, साइंस भी है, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है। सबसे पहले क्या किया हमने, आइडेंटिफाई किया, वर्क को डिवाइड कर दिया कि हम साइंस भी करवाएंगे, कॉमर्स भी करवा रहे हैं, आर्ट्स भी करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना था, डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी थी, मतलब हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने थे। जब हमने देखा कि जो फिजिक्स है वो साइंस का है सब्जेक्ट, और जो अकाउंट्स है वो कॉमर्स का है, और जो आर्ट्स है, आर्ट्स में हम सपोज हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट थे आर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है वो सेपरेटली बना दिया, जो कॉमर्स का डिपार्टमेंट था वो भी सेपरेटली बन गया, और जो सारे साइंस के सब्जेक्ट्स थे वो भी हमने क्या किया, सेपरेटली बना लिया। तो जब हम एक ही तरह के काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हम उन सब का एक डिपार्टमेंट बना देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ओके। तो वैसे ये तो हमने नॉर्मल एक एग्जाम्पल ली, अगर हम अब बिजनेस में देखें, हमने क्या है, टी शर्ट्स और शर्ट्स बनानी है। अब देखो सपोज की बंदा है, उसने टी शर्ट बनानी है, ठीक है, एक पर्सन का क्या काम है, उसने बाजू अटैच करनी है, सेकेंड पर्सन का क्या है, उसने टी शर्ट का कॉलर बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पर्सन को, एक टीम को हमने दो टीम्स बना दी, पाँच मेंबर इसमें हैं, पाँच मेंबर इसमें हैं, ये कौन से हैं जिन्होंने शर्ट बनानी है, और ये कौन सी हैं जिन्होंने टी शर्ट्स बनानी है, ठीक है। अब इनके पास फाइव मेंबर्स हैं, इन फाइव मेंबर्स के पास इन्होंने टी शर्ट्स बनानी है ना, तो कौन कौन सा काम है इनका, कोई कॉलर बना रहा है, कोई बाजू लगा रहा है, कोई उसकी लेंथ दे रहा है, कोई उसकी ब्रेथ दे रहा है, और कोई उसकी फिटिंग दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास फाइव पर्सन है, फाइव का अलग अलग काम हो गया, लेकिन इनका डिपार्टमेंट क्या है, एक ही है। डिपार्टमेंट एक क्यों है, क्योंकि ये पांच के पांच पर्सन किस लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट को बनाने के लिए, इनका शर्ट वाले के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब क्या है, ये पांचों पर्सन काम अलग अलग कर रहे हैं लेकिन डिपार्टमेंट इनका कौन सा है, एक ही है। ये कौन से डिपार्टमेंट में आएंगे, टी शर्ट डिपार्टमेंट में आएंगे, जो सिर्फ टी शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग पर्सन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही सेम शर्ट का होगा कि अगर शर्ट है उसकी स्टिचिंग चाहिए, उसके बटन्स चाहिए, जो भी है, हर एक पर्सन को अलग अलग काम दे दिया जाएगा, ठीक है। सारे पर्सन क्या है,
काम अलग अलग करेंगे, लेकिन उनका डिपार्टमेंट क्या है, एक ही है। डिपार्टमेंट क्या है उनका, शर्ट डिपार्टमेंट। ओके, ठीक है, ये बात समझ में आई कि अलग काम एक ही कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो वो डिपार्टमेंट क्या होगा, एक डिपार्टमेंट होगा। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब देखो, पहले उन्होंने क्या किया, ये सोच के चला कि हमारा टी शर्ट का डिपार्टमेंट है, उन्होंने नेम दे दिया टी शर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये जो 5 पर्सन थे ना, पांचों के पांचों पर्सन को अलग अलग ड्यूटी सौंप दी कि तेरा काम सारी टी शर्ट्स के कॉलर लगाना है, तेरा काम सारी टी शर्ट्स के जो हमने बाजू लगानी है वो काम है तेरा, दूसरे की लेंथ है, दूसरे की ब्रेथ है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने इस अकॉर्डिंग से क्या किया, डिपार्टमेंट के अलग अलग पर्सन्स को उनकी ड्यूटीज़ असाइन कर दी, ठीक है। मतलब उनको बता दिया कि ये उनकी ड्यूटी है, ये काम उसने करना है, उसका काम कोई भी और पर्सन नहीं करेगा। वैसे सेकेंड डिपार्टमेंट है शर्ट डिपार्टमेंट, शर्ट डिपार्टमेंट भी क्या करेगा, अपने सभी पर्सन को उनकी ड्यूटीज़ असाइन कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब इसमें क्या आता है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब इसमें वो क्या देखेंगे कि ये जो चीज़ हमने सारी यहाँ तक एस्टैब्लिश की है, क्या ये जो हमारे 5 पर्सन इधर और 5 पर्सन इधर हैं, क्या ये अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। लास्ट में हमने क्या चेक करना है, उनको क्या रिपोर्ट करनी है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हो। पहले क्या किया, वर्क को डिवाइड कर दिया कि दो हमने अलग अलग वर्क करने हैं। उसके बाद हमने कि क्या किया, सेम वर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, डिपार्टमेंट बना दिए दो अलग अलग। डिपार्टमेंट बनाने के बाद एक डिपार्टमेंट में जितने पर्सन आए उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी कि हाँ भाई तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तूने ये काम करना है। देखा, अब हमने क्या किया, ड्यूटीज दे दी ना सबको। ड्यूटी के बाद हम ये चेक करेंगे कि जो हमने ड्यूटी दी है उसका उन पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या कनेक्शन है। जब हम किसी एक पर्सन को उसका काम करने के लिए कोई ड्यूटी सौंप देते हैं ना कि हाँ ये आपकी ड्यूटी है, आपने ये काम करना है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। लास्ट में आके हम क्या चेक करेंगे, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, किसका रिलेशनशिप, ड्यूटीज़ का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, कि क्या ये पर्सन अपनी ड्यूटीज के अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमें प्रॉफिट तक पहुँचना है बिजनेस में, ये स्टेजेस हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अपने वर्क को, देन उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, एक डिपार्टमेंट के हर एक पर्सन को उसकी ड्यूटीज देंगे। लास्ट में हम क्या चेक करेंगे कि हमारे पास क्या रिलेशनशिप है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज का। थैंक यू, आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।